बाबा साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर एक बड़ा विवाद मिला, आज आपके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है? बाबा साहब आज आपके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, क्या कुछ वजह है इसके बारे में? बाबा साहब अपनी बात रखना चाहेंगे? पुलिस की जीसी थापा साहब के खिलाफ इस समय जम्मू के जीवल चौक में यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है और थापा साहब भी कुछ यहाँ पर जो है वो नहीं कह पा रहे हैं। क्यों लगाते हैं यहाँ पे इनको, किस लिए बांध में लगाते हैं इनको? थापा साहब का पहले यहाँ से तबादला किया गया था लेकिन फिर से उनको यहाँ पर लगाया गया, क्या लगता है यहाँ पर लाडले क्यों बने हुए हैं? मेरे को तो समझ नहीं आती। अपना काम करे, उनका काम है ट्रैफिक को स्मूथ करना, ना कि लोगों की रोजी रोटी को खत्म करना। बस आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने बात रखना चाहेंगे? लगातार यहाँ पर आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं किससे करें बात? थापा साहब कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? थापा साहब गुमसुम है, देख लीजिए रांची पुलिस के थापा साहब फिलहाल यहाँ पर खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ 20,000 का चलान निलामी कैपेसिटी है, ये साला 1,20,000 के चलान हो रहे हैं रोज के, जैसे घुमा पूछते रहे। थापा साहब से नाराज है? थापा नाराज है जी, पर जोर से मैं क्या दुश्मनी इनकी, रोज के 1,00,000 से ऊपर चलान का आ रहे हैं। यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है? बात ये समझाया, हम इसको हटाते हैं वो लगा देते हैं, हम इसको हटाते हैं। जम्मू के जीवल चौक में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दे चले कि बैरिकेड्स को लेकर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जीसी थापा को लेकर यहाँ पर बड़ा हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दे चले कि नौवाद पुलिस समय जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और SHO नौवाद की बात करें तो सुरेंद्र राणा जी भी यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा तादाद में लोग इस समय यहाँ पर लगातार ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इस समय ट्रैफिक पुलिस के जीसी थापा साहब भी काफी ज्यादा परेशान है और टेलीफोन पर लगातार यहाँ पर रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो यहाँ पर तमाम लोग जीसी थापा के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसका क्या मकसद है? थापा साहब के खिलाफ जो लोग तमाम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका क्या मकसद है? यही मकसद है कि ये सिर्फ दो बैरिकेडें उठाए जाए, दो बैरिकेडें यहाँ से उठाए जाए। मैंने हमें कोई ऑर्डर ही नहीं उनके पास, वो कह रहे मेरी मर्जी है मैं करूंगा। SSP का आदेश हो, SSP का आदेश सिखाए ना हमें, वो कह रहे मेरी मर्जी है मैंने करना है। थापा साहब कह रहे हैं आप बिल्कुल इनके, आपको क्या बोला सारे उन्होंने? थापा साहब ने क्या बोला कि मेरी मर्जी है? क्या बोला थापा साहब ने? कुछ नहीं है, रोजी रोटी का सवाल है। पूरी बैरिकेडिंग कर दी जीवल के अंदर, दो बैरिकेडिंग वहां से हटते, दो यहां से हटते, लोगों को दुकानदारी पूरी चल सकती थी। यहां पे इन्होंने दुकानदारी को बंद करवा दिया लोगों को। पिछले 8 दिन से हम लोग यहां पे आके SHO साहब को कह रहे हैं, वो आके हटाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, पर यहां पे थापा साहब आते हैं, अपनी फोर्स ला के फिर दोबारा लगा देते हैं। थापा साहब मनमर्जी कर रहे हैं क्या? मनमर्जी के दुकानदार से पूछो, दुकानदार कह रहे हैं दुकानदार से पूछो, बताते हैं आपको नुकसान। उनकी तो दोनों होनी बंद होगी उनकी। अभी आपकी बात हुई उनको, बैरिकेडिंग से रास्ता बंद कर दिया जाता है, आपने थापा साहब से बात की होगी? थापा साहब को अभी हमने बुला के बात की है, वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो इग्गो प्रॉब्लम, उनको इग्गो है ना, जनता के प्रतिनिधि, उनको हर बात की इग्गो है। SHO साहब हमारे साथ कंप्रोमाइज करते हैं, उन्होंने दो दो बैरिकेड हटाए। आला अधिकारी भी हैं ट्रैफिक पुलिस के, तो DSP SSP से बात हुई आपकी? सर उनको आना चाहिए यहाँ पे। SHO साहब उनकी प्रमोशन भी हुई है अभी, इस तरह के कार्य करने, क्या लग रहा है कि डिपार्टमेंट यही चाहता है? पता नहीं डिपार्टमेंट क्यों लगाता है यहाँ पे इनको, किस लिए बांधने लगाते हैं इनको? थापा साहब का पहले यहाँ से तबादला किया गया था लेकिन फिर से उनको यहाँ पर लगाया गया, क्या लगता है यहाँ पर लाडले क्यों बने हुए हैं? मेरे को तो समझ नहीं आती। अपना काम करे, उनका काम है ट्रैफिक को स्मूथ करना, ना कि लोगों की रोजी रोटी को खत्म करना। बीस हजार का चलान निलामी कैपेसिटी है, ये साला 1,20,000 के चलान हो रहे हैं रोज के, तो घुमा पूछते रहे। थापा साहब से नाराज है? थापा नाराज है जी, पर जोर से मैं क्या दुश्मनी इनकी, रोज के 1,00,000 से ऊपर चलान का आ रहे हैं। यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है? बात ये समझाया, हम इसको हटाते हैं वो लगा देते हैं, हम इसको हटाते हैं, क्या लगता है यहाँ पर इनको क्यों लगाया जाता है? देख सकते हैं कि अब काफी ज्यादा तादाद में पुलिस यहां पर मंगवाई गई है ताकि कोई किस तरह के हालात यहां पर खराब ना हो। लगातार अभी भी जो है वो जीसी थापा के खिलाफ लोग यहां पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं और ये चाहते हैं कि इन बैरिकेड्स को यहां से हटाया जाए ताकि दुकानदारों का काम जो है वो सफर ना करे।
जो दिखते हैं कि जिस तरह से काफी देर से जो है वो लंबा विवाद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जिस थापा को लेकर चल रहा था, अब डीवाईएसपी हेडक्वार्टर जम्मू यहाँ पर पहुंचे हैं और अब आगे के लिए अब क्या कुछ रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल लोगों के साथ साथ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तादाद में लोग अभी भी यहाँ पर जमा हुए हैं और एस एच ओ नौवाद के साथ साथ डीवाईएसपी हेडक्वार्टर जम्मू यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। मैम देखिए मैम ये दुकानदार से मैम 8 दिन हो गए हैं थापा जी को। हाँ ठीक है, आप एक दो दिन आप उसके बाद बहुत ठीक है। जो यहाँ से आपको मूवमेंट चाहिए गाड़ी की, यहाँ से जाने चाहिए मैम, सिर्फ सर हमें क्या करना होता है, आप थोड़ा सा एक दो दिन का हमें थोड़ा ट्रैफिक भी रेगुलेट करना है, हम बाजार का भी देख लें। ठीक है, मतलब यहाँ से चली भी जाएंगी और आ भी जाएंगे, थोड़ा सा ट्रैफिक वालों को भी बोले, एक्चुअली किया ट्रैफिक वालों की एसोसिएशन के साथ ही, ये ट्रैफिक वालों ने हम लोग कंसिडर करके बैठ कर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम प्लान पूरा मैनेज करेंगे। एक आप लोगों के लिए किया कि थोड़ा सा कंजेशन आ रहे रात को, हम उस चीज के लिए ठीक है वो कर देंगे, हम वही हम बैठेंगे हम बैठ कर प्लान पूरा चौकआउट करके एक दो दिन दे दें पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है मैम, थैंक यू। जम्मू के जेवल चौक में हम मौजूद थे, यहाँ पर जो है वो जीसी थापा साहब के खिलाफ काफी ज्यादा तादाद में लोग इस समय यहाँ पर जमा हुए हैं और लगातार थापा साहब के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि थापा साहब अपनी मनमर्जी से बैरिकेड्स को यहाँ पर लगाते हैं और अपनी मनमर्जी से हटा देते हैं। फिलहाल आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। देखते हैं जम्मू परिवर्तन लाइव, जय हिंद भारत।